OnePlus Nord 3, हाँ गाइज़, यहाँ पे OnePlus की तरफ से OnePlus का Nord 3 कब आएगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं क्वेश्चन भी है उनके दिमाग में, तो थोड़ा पूरा देख लेना, आपके जो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जल्दी थोड़ा लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो अभी तक आपने नहीं किया। आज का वीडियो स्टार्ट करें। यहाँ पे OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 3, जब से नॉर्ड सीरीज आई है ना, OnePlus बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब यार जो इनकी जो सीरीज़ वाली सीरीज़, मतलब ये जो नॉर्मल सीरीज़ आती थी 7, 6, 7, 8 जो भी, पहले बहुत जल्दी थी, जब क्योंकि ये फ्लैगशिप किलर होते थे, बट फिर उसने लोग हर हर इवेंट में अपना प्राइस बढ़ाते गए, हर सीरीज़ में प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं मैं तो उससे डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे 60 तक बहुत ही बढ़िया लगते थे भाई OnePlus के फ़ोन। उसके बाद से मैंने OnePlus को भाई टाटा बाय बाय कर दिया, मतलब उसके बाद तो हमने सोचा भी नहीं, आईफोन की तरफ आ गया अब तो। मगर बात यहाँ ये नहीं आती, बात ये होती है कि भाई नॉर्ड सीरीज़ चल रही है इंडियन मार्केट में, नॉर्ड सीरीज़ का बहुत क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए जो है वो मैं कह सकता हूँ कि इंतज़ार करते हैं, और मैं देख भी रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं नॉर्ड 3 के बारे में, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आता हूँ, देन बाद में बात करूँगा प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले बिल्ड डिज़ाइन में आ जाता हूँ गाइस। तो यहाँ पर जो बिल्ड डिज़ाइन है इस फोन का, बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने मिलने वाला है। आप कह सकते हैं जो डिज़ाइन होने वाला है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको देखने मिल जाने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक आपको मिलने वाला है, जैसे कि नॉर्ड 1 में भी था, नॉर्ड 2 में भी था, नॉर्ड 2T में भी था, सब में अच्छा डिज़ाइन है। इस बार भी जो डिज़ाइन होगा बहुत प्रीमियम होने वाला है। डिस्प्ले में अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो जो 6.43 इंच का एक फ्लैट एमोलेड पैनल दिया गया है विथ सेंटर पंच होल एंड 120 रिफ्रेशिंग रेट एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल जाता है। अब मेरी जो एक कंप्लेंट वो ये रहेगी कि यार मुझे लगा था कि यार इसको 6.67 इंच कर देते या 6.7 इंच ही कर देते तो मज़ा आ जाती, क्योंकि थोड़ा फ़ोन हाथ में लेने बड़ा लगता, फ़ोन बड़ा होता, बट यहाँ पर ये फ़ोन जो है वो 6.43 इंच ही है, तो ये थोड़ा सा मुझे सैड लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता सकते हैं मुझे। एंड देन अब चिपसेट में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर जो चिपसेट की दो लीक्स आई हैं, और दो में से ज़्यादा जो वो है डायमेंसिटी की तरफ से, मतलब डायमेंसिटी का 8100 एंड एक तरफ है स्नैपड्रैगन का 7 Gen। अब दोनों चिपसेट तगड़े हैं यार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बट स्नैपड्रैगन 7 Gen की बात ही अलग है। बट ज़्यादातर लीक जहाँ पे आई है वो है डायमेंसिटी 8100 की। अगर मैं कैमराज में आ जाता हूँ, तो जो मेन कैमरा वो आपको मिलने वाला है यहाँ पर, वो मिलने वाला है 50 MP का सोनी का सेंसर, जो 766 वाला सेंसर है नया, वही आपको मिलने वाला है। OIS का सपोर्ट होगा, 4K भी रिकॉर्ड कर पाओगे, एंड यहाँ पर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो लेंस भी देखने मिल जाने वाला है। अब तीसरा लेंस जो है माइक्रो लेंस होगा या डेप्थ सेंसर होगा, ये लेट्स सी कंफर्म, तो मुझे नहीं पता। सेल्फी में आ जाते हैं, चलिए, तो यहाँ पर 30 MP की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से आप 1080 में वीडियो बना पाओगे, तो वो भी ठीक ठाक है। बैटरी में आ जाते हैं, चलिए, तो 4500 mAh की बैटरी मिलेगी प्लस टाइप सी, एंड 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। ये लीक है, मतलब कंफर्म नहीं बट लीक है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस 120 वोल्ट समझ लो यार, मतलब अराउंड अगर 0 to 100 पूरा कर रहे हो, जीरो एकदम कर दिया फ़ोन को, 20 मिनट में फुल हो जाएगा चार्ज, और अगर वैसे नॉर्मली 10-15% तो होता ही है, तो 15 मिनट समझ लो, 15 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज। बहुत अच्छा लगा मुझे ये फीचर। UI में आपको एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स होगा, एंड अगर तक 13 आ जाए तो बात अलग है, मन ऑक्सीजन ओएस के जरिए रन करने वाला है, उसमें टेंशन नहीं लेना आपको। गाइस ये है पूरा OnePlus Nord 3, एंड डेफिनेटली मुझे फ़ोन बहुत तगड़ा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब उसमें मुझे लगा लाइक कुछ यहाँ पर जो है OnePlus ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बढ़िया काम किया है, तो जैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ना, प्राइस भी अच्छा है, मतलब जैसे Nord 2T आप लोग याद है 28,999 rupees में लॉन्च किया गया था, बट Nord 3 जो होने वाला है ना वो 33 या 34 से स्टार्ट होगा, बेस रेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये देख लेना, अच्छा खर्चा होने वाला है अगर आप लोग लेने वाले हो तो, ठीक है। अब फाइनली मैं लॉन्च पे आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसी के लिए वीडियो देखा करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ भाई अभी तक इसकी कोई भी लीक नहीं आई है। हाँ ये है कि कहा जा रहा है कि ये दिसंबर के मंथ में इंडिया के अंदर आ सकता है, अभी लेट्स सी होता है कि नहीं, बट हाँ हम ले लेते हैं, मतलब ये होता क्या है ना कि मैंने पहले भी देखा OnePlus का एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा देख लेना चैनल पर, बहुत वीडियोस बनाए हमने OnePlus के ऊपर। होता क्या है, हम जब उम्मीदें छोड़ देते हैं तो OnePlus एक सरप्राइज़ इवेंट लेकर आ जाता है, सरप्राइज़ कर देता है, और हुआ भी ऐसा मेरे साथ पहले, मैंने देखा था एक फ़ोन था जिसमें मैंने बहुत वीडियो बनाए थे उसके लिए, बट आई नहीं, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा छोड़ दिया बनाना वीडियो, देन आ गया फ़ोन, तो ऐसा हो सकता है OnePlus Nord 3 भी आ जाए, तो हम यही होप करते हैं कि इस साल के अंत तक आ जाए, मतलब नवंबर दिसंबर तो आखिरी महीने चल ही रहे हैं इतना, तो बस यही हम होप करते हैं। हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, जरूर से लाइक करके जाना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने चैनल पर। तो इस मोबाइल में रखता हूँ, एंटिल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।